हेलो जी मेरा नाम है सी ए प्रिंस खुराना और आप देख रहे हैं, हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट सेक्शन एट्टी आर आर बी सबसे पहले मैं बता दूं पेटेंट क्या होता है पेटेंट क्या होता है और उस पर रॉयल्टी क्या होती है पेटेंट माने तो जैसे आपने मूवी देखी है थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स में क्या था एक रनछोड़दा स्टैंडर्ड था फुंकुश वांगड़ू ऐसे ही कुछ नाम था उसका वो क्या उसने क्या किया था जैसे लद्दाख में उसने अपना एक छोटा सा स्कूल खोला था जिसमें उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करके उसको पेटेंट करवा लिया था ठीक है जैसे वो साइकिल से आ, शिप की वोल निकालता है ठीक है ना तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ थी जो उसने डेवलप करके उसका पेटेंट करवा लिया था मतलब अगर कोई और यूज़ करेगा तो दूसरे को आ, अमीर खान को क्या देना पड़ेगा रॉयल्टी देनी पड़ेगी ठीक है तो चलो हम देखते हैं एलिजिबल एस एस रेजिडेंट इंडिविजुअल ध्यान रखना रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज रजिस्टर्ड एज अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंशन अंडर द पेटेंट एक्ट इंक्लूडिंग द को ओनर इंक्लूडिंग द को ओनर ऑफ द पेटेंट एंड अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ पेटेंट जो पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ है एक चार दो तो या उसके बाद ठीक है आगे देखो क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्वांटम ऑफ डिडक्शन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ पेटेंट रजिस्टर्ड ओन और आफ्टर वन अप्रैल टू थाउजेंड थ्री सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ थ्री लैख मतलब मुझे मैक्सिमम थ्री लैख तक की डिडक्शन मिल सकती है ठीक है एग्जाम्पल uh, के साथ समझाता हूँ मेरे को अर्निंग uh, हुई फोर लैख की रॉयल्टी की ठीक है ये मेरी इनकम में ऐड हो जाएगी ठीक है जब मैं डिडक्शन लेने जाऊँगा एटी आर आर बी में तो मुझे डिडक्शन मिलेगी सिर्फ थ्री लैख की ठीक है जो मेरा वन लैख होगा वो मेरा टैक्सेबल में जाएगा ठीक है चलो आगे नोट एंड नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम विल बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इस इनकम के लिए और कोई सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी और कोई प्रोविज़न में डिडक्शन नहीं मिलेगी ये बोला इन्होंने एलिजिबल इनकम दिस एग्जाम्शन शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रॉयल्टी इनकम इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन द पेटेंट और फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वर्किंग और यूज़ ऑफ पेटेंट यूज़ ऑफ पेटेंट और द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज ये जो एग्जाम्पन है ये सिर्फ रॉयल्टी इनकम के लिए ही है मुझे रॉयल्टी इनकम मिल रही है वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगी फिर उसमें से जब डिडक्शन क्लेम करेंगे तो एट्टी आर भी में सिर्फ उसी के रिगार्डिंग में क्या ले सकता हूँ डिडक्शन ले सकता हूँ दिस एग्जम्पन शेल नॉट बी अवेलेबल ऑन एनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट मैनुफेक्चर विद द यूज ऑफ द पेटेंट प्रोसेस और पेटेंट आर्टिकल फॉर कमर्शियल यूज अगर मेरे को कुछ सेल करके कोई कंसिडरेशन मिलती है तो ये एग्जाम्पन उस पर नहीं लगेगी मैंने क्या बोला सिर्फ रॉयल्टी इनकम पे क्या मिलेगी हमें एड हो जाएगी फिर डिडक्शन मिल जाएगी कंडीशन क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच इनकम विच इज़ अर्न फ्राम सोर्स आउटसाइड इंडिया ठीक है फिलकुश वांगड़ू था ना जैसे उसका पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ था सपोज करो उसने लंदन में या ऑस्ट्रेलिया में मतलब आ, कहीं भी उसने क्या किया अपना प्रोडक्ट की जो है यूज़ करने के लिए दे दिया अपना पेटेंट को यूज़ करने के लिए दे दिया तो उसको क्या होगा वहाँ से रॉयल्टी इनकम आएगी तो जो रॉयल्टी इनकम आएगी उस पर उसको डिडक्शन चाहिए बट डिडक्शन कैसे मिलेगी सरकार ने बोला आपको बाहर से पैसा आ रहा है ना आपको डिडक्शन चाहिए तो आप क्या करो डिडक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सच अमाउंट एज़ इज़ ब्रॉड टू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जब आपका फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा वहाँ से लेके कर सिक्स मंथ के अंदर मतलब तीस uh, सितंबर तक आपका पैसा जो है इंडिया में आ जाना चाहिए तभी ही हम आपको क्या देंगे डिडक्शन देंगे पहले इनकम में ऐड होगा फिर डिडक्शन चाहिए ना डिडक्शन चाहिए तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आनी चाहिए तीस सितंबर तक ठीक है सच इनकम इज़ कहाँ थे हम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच इनकम इज़ और एक्सटेंडेड पीरियड एज इज़ अलाउड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी इसका क्या मतलब है सपोज़ करो किसी दिक्कत की वजह से मैं पैसा जो है वो सिक्स मंथ के अंदर नहीं ला पाया ठीक है इंडिया में तो इन्होंने क्या बोला है? कि एक्सटेंडेड पीरियड एज इज़ अलाउड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी आर ने जैसे सपोज करो कोरोना आ गया ठीक है मैं पैसा नहीं लेके आ पाया तो इन्होंने मेरे को लगा लो आर ने एक्सटेंशन दे दी पीरियड की चलो एक साल और ले लो ठीक है या छः महीने और ले लो कि पैसा अपना छः महीने में इंडिया में ले आओ ठीक है ओके फॉर क्लेमिंग दिस डिडक्शन द दी शेल रिक्वायर्ड टू फर्निश अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म साइन बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी आपको इस डिडक्शन के लिए एक फॉर्म जो है वो साइन करके देना पड़ेगा समझ आ गया ए टी आर आर बी एक बार फिर से बता दूं, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए पेटेंट वन अप्रैल 2003 या उसके बाद रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको अगर इस पर क्या मिल रहा है रॉयल्टी इनकम मिल रही है तो आपकी पहले इनकम में ऐड होगी फिर आपकी इनकम में ऐड होने के बाद डिडक्शन चाहिए थ्री मतलब तीन लाख तक थ्री लाख तक ही आपको क्या मिलेगी डिडक्शन मिलेगी ठीक है एलिजिबल इनकम बता दिया कंडीशन बता दिया अगर फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है तो जिस साल आपने कमाया ठीक है वो साल ख़त्म होने के सिक्स मंथ के अंदर अंदर आपका पैसा जो है आ जाना चाहिए इंडिया में तभी आपको क्या मिलेगी डिडक्शन मिलेगी अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी बट हाँ अगर एक्सटेंशन दे दी आर ने फिर आपको क्या मिल जाएगी डिडक्शन मिल जाएगी थैंक यू अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक चैनल को लाइक कैसे करोगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए Thank you.